हम दो साउंड्स और देखते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो साउंड्स हैं ए अ ए अ ए अ और ई अ। ये जो है बाल है अ हेयर है अ हेयर। ए अ ए अ कुर्सी पे बैठे चेयर हेयर चेयर। बेयर भालू बेयर ए अ ए अ ए अ। जब आप इमेज के साथ साउंड को कंबाइन करोगे तो याद जल्दी होगा और गलती नहीं करोगे। तो हेयर हियर यहाँ हियर हेयर हियर हेयर हियर। साउंड प्लस इमेज माइंड में रखो हेयर हियर हेयर हियर। उसी तरह से बालू बेयर बियर बेयर बियर बे बी ए अ ई अ ए अ ई अ। इसको आप जितना रिपीट करोगे एंड 21 डेज तक सेम साउंड को, आप एक दिन में चार चार पांच पांच साउंड्स को रिपीट कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप 21 डेज तक कंटिन्यूअस रखो उसको। है ही बे बी। देखो फाड़ना टेयर टीयर नहीं करते हम, टेयर ए अ टेयर टीयर है टेयर टीयर टीयर। फाड़ना टेयर आंसू टीयर। उसी तरह से भालू बेयर और जो ड्रिंक करते हैं वो बी है हियर। ये जो साउंड्स हैं इनको आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करें और इनसे आपको और भी ऐसे कई वर्ड्स याद आएंगे, तो उनको आप अगर इसी तरीके से इमेज और साउंड को कंबाइन करके, थोड़ा सा आंखों को बंद करके एक इमेज लाओ और साउंड को बोलो, करेक्ट साउंड को बोलो। एयर बेयर बेयर चेयर डेयर साहस करना हेयर केयर। इस तरीके से आप मिलते जुलते जितने भी आपको याद आते हैं उनको आप रिपीट करते रहो। हम गाड़ी में गियर नहीं बदलते, हम गिया बदलते हैं, गिया हिया डिया चियर। तो इस तरीके से साउंड्स को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर, स्पेशली वो जो दो साउंड्स है ए और ए, उनको आप शीशे के सामने बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मुंह कितना खोल रहे हो, क्योंकि जो ए साउंड है जो हिंदी लैंग्वेज में एक्चुअली है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ अटकते हैं जो इंग्लिश में है। पर एक बार आ जाएगा जब आप उसको वर्ड इमेज एंड साउंड को कंबाइन करके शीशे के सामने बोलोगे, माइंड में एक पिक्चर लाओ और आप अपने आप को मिरर में देखो कि आप मुंह कितना खोल रहे हो, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आता चला जाएगा। आप कई साउंड्स को सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 21 डेज आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये साउंड्स आपको धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, फिर आप गलत नहीं बोलोगे। पर शर्त ये है कि इमेज और साउंड कंबाइन होना चाहिए। जब आपके दिमाग में इमेज और साउंड, आप मुंह से साउंड निकाल रहे हो और दिमाग में आप एक इमेज को होल्ड कर रहे हो, तब समझिए कि वो दोनों कंबाइन होकर आपके
मेमोरी में वो फिक्स्ड हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, फिर आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों साउंड्स अंदर हैं, बस फर्क इतना सा है जहां यहाँ निकल जो साउंड यहाँ निकलना चाहिए वो वहां निकल रहा है, जो वहां निकलना चाहिए वो यहाँ निकल रहा है।